नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, एक अन्य की गिरफ्तारी शेष है। जानकारी देते हुए राजनगर थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस गांजा तस्करी के मामले में 5 महीने से फरार एक आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अब एक अन्य सहयोगी आरोपी की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर को गिराकर तेल चुराने के गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में किसानों के कुओं पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को डैमेज कर तेल चुराने की बढ़ती वारदातों के चलते पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। इस दौरान लगातार जांच पड़ताल और निगरानी करते हुए पुलिस ने चोरी के प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। 12 में फर्जी पट्टे मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश कर 2 दिन के PCC रिमांड पर लिया है। जानकारी के अनुसार 12 नगर परिषद के पूर्व सभापति पर अग्रवाल समाज ने 2 महीने पूर्व समाज की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। वहीं अब राठौर 2 दिन से रिमांड पर रहेंगे। गर्मी शुरू होने के साथ ही लक्ष्मणगढ़ शहर में पीने के पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण शहर के वार्ड संख्या 27 के वार्डवासियों को करीब 1 महीने से पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वार्डवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। पानी की क्या समस्या वार्ड के अंदर? ये 1 महीने से करीब चल रही है समस्या। ये जो ट्यूबवेल है रेबारी वाला, ये यहाँ अलखी मोटर, ये जो मोटर पहले भारी गिरी हुई थी तो कोई समस्या नहीं थी, इनके सभी के पानी आ रहा था, लेकिन 1 महीने से ये मोटर कमज़ोर गिर दी गई है इसके अंदर, इसीलिए ये पानी की दिक्कत आ रही है। और मैंने जीएन साहब को मौखिक और कल लिखित में भी दे दी है, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ समस्या का। पानी की समस्या ही है, 1 महीना होगा मर पानी आवे ही को नहीं, और आज 17 दिन होगा। मैं सब ने ना जो लिखित में भी दिया या बोलर भी कह आया, 17 दिन होगा दुख पता। अभी यह गर्मी की टाइम कहीं, और ये ट्यूबवेल को पानी है जो एकदम हल्की मोटर बिठाएगा जना के करा। एक महीना होगो दुख पता, अब 1 महीना का मायने कितनी परेशानी हो रही है, माने ही बेरो है। पानी की बहुत समस्या हो रही है, सामने ब्याह रहे हो 10 दिन है और 1 महीना होगो सप्लाई आ रही वो नहीं बरोबर। शिकायत करी ही सन कर दी है तो अधिकारी ने, संजू पार्षद जी ने, पवन पार्षद जी ने सन कर दिया। तो पवन पार्षद जी आया ही है, अब्बा आया है, हमारी समस्या ने समस्या का सुलझावा ने। उदयपुर के जगत विला में अखिल भारतीय कलवार कलाल महासंघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव चंपालाल सिसोदिया ने की। बैठक में समाज विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और समाज के विकास की भी चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान सिसोदिया ने बताया कि शीघ्र ही उदयपुर में राष्ट्रीय बैठक और अविवाहित युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वंदे मातरम जनसेवा समिति के युवा आवारा गोवंश और जानवरों के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। लक्ष्मणगढ़ के युवाओं ने एक ग्रुप बनाकर मानव सेवा के अलावा आवारा जानवर और गो सेवा का संकल्प लिया है। टीम के सदस्यों ने बताया कि किसी भी जानवर के चोट लगने से सूचना पर समिति के सदस्य डॉक्टर शिवा सहित पूरी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका उपचार करती है। साथ ही अगर कोई जानवर गंभीर रूप से घायल होता है तो उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे फतेहपुर भेजा जाता है। सलुम्बर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत बालपुर की महिला सरपंच कृष्णा मीणा ने थाना सलुम्बर में एक प्रिंटर भेंट किया है। महिला सरपंच ने समाज सेवक गौतम मीणा, वार्ड पंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र मीणा और शंकर मीणा के साथ मिलकर यह प्रिंटर भेंट किया है। वहीं सलुम्बर के थाना अधिकारी और समस्त स्टाफ ने थाने में उनका स्वागत किया, साथ ही उनको पगड़ी पहनाकर और माला अर्पण कर उनको धन्यवाद दिया। प्रतापगढ़ के पीपलकूट में महिलाओं ने अमर सुहाग और परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर दशा माता का व्रत किया और दशा मात का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया।
इस दौरान पंडित उमेश जोशी ने बताया कि महिलाएं साज सज्जा से पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंची और पीपल के वृक्ष का पूजन कर मां अंबे की पूजा और आरती की। इस दौरान मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट भी की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भालथोड़ा में दशा माता का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दशा माता का पर्व महिलाओं ने परंपरागत रूप से मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर पीपल के वृक्ष की पूजा कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता घर की दशा के लिए 10 दिन तक कहानियाँ सुनते हैं, पूजन वगैरह करते हैं और आज 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो आज यहाँ पीपली की पूजन करके घर की सुख समृद्धि के लिए ये महिला दशा माता के चैत्री दशम को पूजती है, 9 दिन 10 दिन कहानियाँ सुनती है और बड़े सज्जन के आगे पूजन करती है और सुहाग के लिए पूजन करती है, क्या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है? आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देना चाहिए। आपका नाम क्या है? लेते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं हम। डूंगरपुर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में दिशा 2022 कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा रहे। वहीं समारोह में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।